सिंपली हम लोग का क्वेश्चन ये है, तो इसमें हम लोग को देख सकते हैं कि यहाँ पे POS का एक्सप्रेशन है, क्योंकि देखो ब्रैकेट के अंदर सारा सम हो रहा है और सीधा प्रोडक्ट हो रहा है। लिखा भी वही, फाइंड द मोस्ट सिंपलेस्ट POS फॉर्म यूजिंग के मैप। के मैप में जाने से पहले हम लोग यहाँ अरेंजमेंट कर लेंगे सी और डी का। सी और डी का कैसे, यहाँ पे पूरा सी और डी वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे, यहाँ पे ए और बी वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे। कैसे लिखते पता है, 0 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है। तो यहाँ पे सी प्लस डी, ज़ीरो पी ओ एस में ज़ीरो का मतलब होता है सी और एस ओ पी में होता है सी डैश। तो यहाँ पे पी ओ एस का हम लोग कर रहे हैं, तो ज़ीरो मतलब सी और बीच में पी ओ एस है तो प्लस साइन, ऐसे करके सी प्लस डी। और सिमिलरली यहाँ पर भी 0 0 है तो ए प्लस बी, 0 1 है तो ए प्लस बी डैश। जहाँ वन आ रहा है वहाँ डैश लगेगा, जहाँ वन आ रहा है वहाँ डैश लगेगा, जहाँ जहाँ वन आ रहा है वहाँ डैश लगेगा, जहाँ ज़ीरो है वो नॉन कॉम्प्लीमेंट टर्म है, ठीक है। तो अब बेसिकली करना क्या है यहाँ पे कि ए प्लस बी, अब हमको देखना है सारा टर्म्स एक एक करके, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो यहाँ दिख रहा है, पहले ए हर टर्म को हम दो हाफ में तोड़ लेंगे। तो पहले एक, तो एक हाफ में ए प्लस बी होगा, एक हाफ में सी प्लस डी होगा। इसको तोड़े तो ए प्लस बी वाला पार्ट इधर और सी प्लस डी वाला पार्ट इधर, तो ए प्लस बी और सी प्लस डी ज़ीरो, ठीक है। अब फिर से ये वाला टर्म को भी उसी तरह दो हाफ में तोड़े, ए प्लस बी। अब हम पहले ए प्लस बी ढूँढेंगे, ए प्लस बी ये रहा, ए प्लस बी ढूँढे। अब यहाँ पर दूसरा हाफ में क्या है, सी डैश प्लस डी। अब सी डैश प्लस डी हम यहाँ ढूंढेंगे, ठीक है। तो ए प्लस बी यहाँ ढूंढा थे और ये है सी डैश प्लस डी, तो ये रहा ज़ीरो यहाँ पे लिखेगा, ठीक है। अब सिमिलरली इसका भी करके देखते हैं, ए प्लस बी डैश। अब ए प्लस बी डैश ढूंढेंगे ये वाला टर्म, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, ए प्लस बी डैश प्लस सी प्लस डी डैश, सी प्लस डी डैश, सी प्लस डी डैश ये वाला टर्म। अब सिमिलरली कोई और टर्म का करके देखते हैं, लास्ट वाला टर्म का करके देखते हैं, ए डैश प्लस बी। अब पहले ए डैश प्लस बी ढूंढे यहाँ पे, सी डैश प्लस डी, सी डैश प्लस डी ये वाला, तो ये हो गया यहाँ पे। अब हम फिर सबका ग्रुपिंग कर लेंगे। ग्रुपिंग का ऑर्डर होता है पहले ऑक्टेट, फिर क्वाड्रेंट, फिर होता है क्वाड्रेंट। तो पहले कॉर्नर्स यूज़ करके हम लोग यहाँ पे एक क्वाड्रेंट बना लिए, फिर बीच वाला में एक क्वाड्रेंट बन रहा और फिर यहाँ पे क्वाड्रेंट बन रहा। अब एक एक करके हम लोग तीनों क्वाड्रेंट को सॉल्व करेंगे। पहले सेंट्रल वाला क्वाड्रेंट, सेंट्रल वाला क्वाड्रेंट में क्या क्या टर्म आ रहा है, पहले सेंट्रल वाला का क्वाड्रेंट का बुक का तरीका से बता रहे, रो रिप्रेजेंटेशन आ रहा है, रो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्वाड, ठीक है। रो में ये सेंट्रल वाला क्वाड्रेंट, इसमें कौन कौन सा रो हो यूज़ हो रहा है, ये वाला रो यूज़ हो रहा है और ये वाला रो यूज़ हो रहा है, तो दोनों रो को यहाँ लिख देंगे, क्योंकि ये और ये वाला रो तो इसमें नहीं यूज़ हो रहा ना, इसलिए ये और ये वाला रो यूज़ हो रहा, तो इसको यहाँ पे लिख दिया। अब दोनों में से कॉमन क्या टर्म नज़र आ रहा, बी डैश, तो बी डैश निकाल लिए, ठीक है। अब सिमिलरली हम कॉलम के साथ भी सेम चीज़ करेंगे, कॉलम ये वाला कॉलम यूज़ हो रहा है इसमें, नहीं यूज़ हो रहा, ये वाला कॉलम यूज़ हो रहा है ये क्वाड के लिए, नहीं हो रहा, ये दोनों क्वाड यूज़ हो रहा, तो निकालें दोनों में से कॉमन टर्म क्या निकल रहा, डी डैश, तो डी डैश आ गया। तो टर्म ऑब्टेंट, और जो दोनों कॉलम और रो से जो दोनों टर्म निकला उसको हम ऐसे प्लस साइन से जोड़ देंगे, ठीक है। अब फ्रॉम द राइट क्वाड्रेंट, राइट क्वाड्रेंट मतलब ये वाला क्वाड्रेंट, ठीक है। अब ये वाला क्वाड्रेंट में कौन कौन सा रो यूज़ हो रहा है, हमको दिख रहा ये सारा रो यूज़ हो रहा है, ये 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 ये, तो सारा रो को हम अगर एक साथ लिखेंगे, रो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्वाड ज़ीरो, ऑल वेरिएबल्स आर इन अपोजिट फॉर्म, सारा रो को अगर हम एक साथ लिख दिए तो हमको दिख रहा है जो बी है वो बी डैश के वजह से कट जाएगा, बी डैश है वो भी बी के वजह से कट जाएगा, फिर ये ए, ए और ए है तो ये भी ए डैश और ए डैश प्रेजेंट है, ठीक है। तो उसके वजह से यहाँ पे ज़ीरो बचेगा, तुमको वहाँ पे वैसे काट उट के नहीं दिखाना है, लिख देना ज़ीरो, ऑल वेरिएबल्स आर इन अपोजिट साइन हेंस दे गेट कैंसिल्ड, बस इतना लिख देना। क्यों, ये सारा बी के लिए बी डैश है, ए के लिए ए डैश है, सिमिलरली दोनों बार है इसीलिए। और अब सिमिलरली अब हम कॉलम रिप्रेजेंटेशन का बात करते हैं राइट क्वाड्रेंट के लिए, मतलब ये वाला क्वाड्रेंट के लिए, तो हमको दिख रहा है ये वाला कॉलम इस क्वाड्रेंट के लिए नहीं यूज़ हो रहा, ये वाला कॉलम भी नहीं यूज़ हो रहा, ये वाला कॉलम भी नहीं यूज़ हो रहा, तो खैर ये वाला कॉलम यूज़ हो रहा, तो सी डैश प्लस डी निकल गया, ठीक है। फॉर तो सी डैश डी प्लस, और यहाँ रो रिप्रेजेंटेशन से ज़ीरो आया था तो ये वाला। अब कॉर्नर क्वाड मतलब ये 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 और ये, ठीक है।
तो कॉर्नर कॉर्ड में पहले हम रो रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। रो रिप्रेजेंटेशन, ये वाला रो यूज़ हो रहा और ये वाला रो यूज़ हो रहा है, दोनों बीच वाला रो तो यूज़ नहीं हो रहा, तो पहले रो रिप्रेजेंटेशन में हम ये दोनों लिख दिए। तो दोनों में से मेरा कॉमन क्या निकला, बी, और रीज़न क्या लिखेंगे, ए एंड ए डैश आर प्रेजेंट इन अपोजिट फॉर्म। ठीक, अब नेक्स्ट, अब रो कॉर्नर कॉर्ड के लिए कॉलम रिप्रेजेंटेशन ढूंढने हैं। तो कॉलम कौन कौन सा यूज़ हो रहा है, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम यूज़ हुआ, तो दोनों लिख दिए यहाँ पे, और ये दोनों में से सी और सी डैश अपोजिट फॉर्म में है, तो डी बचा, डी बाहर। तो अब रो रिप्रेजेंटेशन और कॉलम रिप्रेजेंटेशन के बीच प्रेस कर देंगे। अब तीनों से जो मेरे को इससे क्या आया था, बी डैश प्लस डी डैश, इससे आया था सी डैश प्लस डी, और इससे आया था बी प्लस डी। तीनों से जो आया था तीनों को प्रोडक्ट कर देंगे, ये था सम, अब हम उसका प्रोडक्ट करेंगे। तो मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम, तीनों का प्रोडक्ट कर दिए तो हमको ये वाला एक्सप्रेशन मिल गया। अब क्या है नेक्स्ट, ड्रॉ अ लॉजिक सर्किट यूजिंग फंडामेंटल गेट्स। तो ये वाला चीज़ देख लेते हैं, यूजिंग फंडामेंटल गेट्स। ठीक है, यहाँ पे हम टर्म लिख देते हैं बी डैश प्लस डी डैश प्लस सी डैश प्लस डी, और यहाँ हो गया बी प्लस डी। ठीक है, तो पहले हमको बी डैश प्लस डी डैश है, तो बी लिए, नेगेशन का साइन लगाएं, तो मेरे को यहाँ पे बी डैश मिला, डी लिए मेरे को डी डैश मिला, ऐसे बी डी डैश बन के मिल गया। सिमिलरली इसके साथ भी सेम चीज़ होगा, इसके साथ भी सेम, इधर मेरे को क्या मिलेगा बी डी, इधर मेरे को सी डैश, मतलब सी डैश डी, बस सी डैश प्लस डी होगा, क्योंकि ये और गेट है। ठीक है, ये और गेट है, जब पीछे कर्व्ड रहता है और गेट, और ये वाला होता है नैंड गेट, तो मेरे को ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो ये होता है इसका, तो हमको ये बनाना पड़ता है एग्ज़ाम में, तो बनाना है। ठीक है, अब नॉर गेट, नॉर गेट से काम करना थोड़ा डिफिकल्ट है, बी डैश प्लस डी डैश। तो बी डैश को हम क्या करेंगे, हमको नेगेशन ही करना है, तो बी को अगर हम को नॉर गेट यूज़ करना है, नॉर गेट मतलब ये होता है और गेट, ये कर्व वाला, उसके आगे एक तो छोटा सा चेरी लगा दिए। ठीक है, तो ऐसा केक जैसा दिखता है। तो बी इज़ इक्वल टू, यहाँ से हमको मिला बी डैश, और यहाँ से हमको मिला डी डैश। अगर हमको इसमें ये डबल वेरिएबल के लिए ही यूज़ होता है, तो हम यहाँ पे ऐसे दो दो करके, मतलब हम बी और बी दोनों बना के बी डैश बना रहे हैं, डी डैश निकल रहा है। सिमिलरली यहाँ पे हमको सी डैश चाहिए था, तो इसके साथ हम ये काम किए, तो सी डैश और ये बना डी, यहाँ पे बी और डी। तो अब यहाँ पर जब ये आएगा मेरे पास, इधर क्या है डी डैश, इधर क्या है बी डैश, तो आएगा बी डैश प्लस डी डैश का होल डैश। ठीक है, बी डैश प्लस डी डैश का होल डैश, यहाँ से क्या आएगा सी डैश प्लस डी का होल डैश। मतलब क्या होता है, इधर एंड बीच में और का साइन लगता है, और का साइन क्या होता है प्लस, और यहाँ पे ऊपर होल का नेगेशन लग जाता है। इधर भी वही चीज़ होगा, बी प्लस डी करेंगे मतलब और गेट लगाएंगे और डैश कर देंगे। अब नेक्स्ट हमको इसका प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट एकदम मिलेगा, जैसे यहाँ से आया बी डैश प्लस डी डैश आया सी डैश प्लस डी या बी प्लस डी, ये सब के बीच कौन सा साइन होगा प्लस साइन, यहाँ पे भी प्लस साइन, और यहाँ पे डैश डैश डैश, और अब ये पूरा का होल डैश लग जाएगा, यहाँ पे एक ब्रैकेट होल ब्रैकेट, ये पूरा होल डैश लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बीच में प्लस साइन क्योंकि और यहाँ पे और गेट का इंक्लूजन हुआ है, और ये छोटा सा चेरी की वजह से ये पूरा टर्म के ऊपर होल डैश लग जाएगा। अब डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाएंगे, अब डी मॉर्गन्स थ्योरम में इसको पहले तोड़ेंगे, इसके ऊपर लाएंगे तो ये डैश का साइन हट जाएगा, तो बस बचा बी डैश प्लस डी डैश, और यहाँ प्लस था, प्लस के ऊपर ये नेगेशन आया तो ये डॉट बन गया, यहाँ पे से बना सी प्लस सी डैश प्लस डी, क्योंकि यहाँ पहले से नेगेशन था उसके ऊपर नेगेशन लगा, नेगेशन नेगेशन कैंसिल, यहाँ प्लस साइन फिर से डॉट बन जाएगा, फिर से इससे भी नेगेशन नेगेशन कैंसिल, तो हो गया बी प्लस डी। ओके, सो आई होप आई वॉज एबल टू मेक इट क्लियर, थैंक यू।